यहाँ पे देख सकते हो ये चैनल को जो है बना हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर है और इस चैनल पे जो कितने व्यू आ रहे हैं। गाइस मैं इसका अर्निंग अगर आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे देख के कि ये भाई साहब जो है एक महीने के अंदर अपने यूट्यूब चैनल से कितना रुपया अर्न कर रहे हैं। अभी जो है YouTube पे काफी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, अगर आप जो है YouTube पे चैनल बनाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अभी तुरंत जाओ एक शॉर्ट चैनल बना लो और एक महीने तक जो है मेहनत करो। मैं आपको पक्का बोलता हूँ अगर एक महीने के अंदर आपके चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए तो गाइस आप जो है मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और साथ में जो है वीडियो को डिसलाइक भी कर देना। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है बिना मेहनत के एक शॉर्ट चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो और वहाँ बिना कोई मेहनत की ना कोई अपना वॉइस देना है ना ही अपना फेस दिखाना ना ही कुछ करना है, सिर्फ आप जो कॉपी पेस्ट करके आप अच्छे खासे अमाउंट को कैसे यूट्यूब से अर्न कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको लाइव कुछ चैनल दिखाना चाहूंगा जो कि भाई एक महीने के अंदर ही चैनल बनाया गया है और जो है यूट्यूब पे काफी तहलका मचा के रखा है और चैनल पे जो है काफी अच्छा खासा सब्सक्राइबर बना के रखा है, साथ में वो जो महीने का लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो ये चैनल को जो है बना हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप देख सकते हो कितने सब्सक्राइबर है और इस चैनल पे जो कितने व्यू आ रहे हैं। गाइस मैं इसका अर्निंग अगर आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे देख के कि ये भाई साहब जो है एक महीने के अंदर अपने यूट्यूब चैनल से कितना रुपया अर्न कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने चैनल नहीं बनाया तो सबसे पहले जाके आप अपना चैनल बनाओ और उसमें जो है कॉपी पेस्ट करके लाखों रुपया महीने का कमाओ। तो गाइस ये फंडा यूट्यूब का नया निकला है, अभी के दौर में जो है आपको पता ही होगा कि यूट्यूब जो शॉर्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है। अगर एक महीने तक आप मेहनत कर लोगे किसी भी एक चैनल पे शॉर्ट चैनल पे तो आपका पक्का बता रहा हूँ 1,00,000 से अधिक सब्सक्राइबर आपका जो है एक महीने में कवर हो जाएगा। आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जो है कहाँ से शॉर्ट वीडियो को कॉपी करना है और कहाँ पे पेस्ट करना ताकि ना ही आपका चैनल पे कभी कॉपीराइट क्लेम आए ना ही स्ट्राइक आए ना ही कुछ आए, फिर भी आप जो है महीने का लाखों रुपया अर्न कर पाओ। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको करना क्या है इसमें, तो गाइस हमेशा दिमाग में ये बात याद रखना YouTube जो पैसे देता है महीने का जो लोग अर्न कर रहे हैं YouTube से, लेकिन YouTube को भी पता है गाइस कि लोग जो है कॉपी कर सकते हैं, इसलिए जो गाइस YouTube पे एक रूल है कि अगर आप जब तक अपना खुद का कुछ नहीं दोगे वीडियो में तब तक जो आप YouTube से अर्न नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गाइस आपको लास्ट में बस 2 सेकंड का भाष देना अपने वीडियो पे शॉर्ट वीडियो पे और ना ही आपका चैनल पे कभी कॉपीराइट आएगा ना ही स्ट्राइक आएगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को चालू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कैसे कॉपी पेस्ट करना है ताकि आपका जो चैनल है वो ग्रो हो सके। चलिए मैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं बताता हूँ कि आपको जो है वीडियो कहाँ से उठाना है और उस पर जो है क्या क्या एडिटिंग करनी है ताकि जो आपका चैनल पे ना ही कॉपीराइट आए ना ही स्ट्राइक आए और आप जो है महीने का अच्छे खासे अर्न कर पाओ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस हम आ चुके अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे, आप सिर्फ वीडियो पे बने रहना, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको एडिट कैसे करनी है, आपको कहां से वीडियो को डाउनलोड करना सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको जो है यूट्यूब को ओपन करना है, तो मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सर्च बार में और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है स्मार्ट गैजेट्स, जैसे कि मैंने सर्च करके रखा है। तो गाइस आप जैसे ही स्मार्ट गैजेट्स चेक करोगे तो गाइस आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारे शॉर्ट वीडियो है और ये जो शॉर्ट वीडियो है ये सारे जो है इंडिया के लोग ही चला रहे हैं और ये जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करके लाखों रुपये महीने का अर्न कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। तो गाइस आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो है पहले जो है आप जैसे ही सर्च करोगे स्मार्ट गैजेट आपको शॉर्ट वीडियो पर ध्यान नहीं देना है, आपको करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप लॉन्ग वीडियो यहाँ से प्ले करोगे तो आपको जो है कुछ इस तरह का आएगा। तो गाइस आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको जो है ना ही यहाँ शुरू से लेना है और ना ही लास्ट का लेना है, आपको क्या करना है बीच का क्लिप आपको जो है एडिट करके पहले जो है एडिट करके आपको निकाल लेना है बीच का क्लिप, जो सा भी क्लिप आपको यूज करना है और जहाँ पे आपको वॉइस ओवर करना है सिर्फ आप यहाँ से बीच का क्लिप आप यहाँ से निकाल लेना काट के। तो सबसे पहले इसको जो है एडिट करने के लिए हमको डाउनलोड करना पड़ेगा पूरा वीडियो, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको जो है काइन मास्टर के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपको जो है एडिट कैसे करनी है ताकि आपका वीडियो पे जो है कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आए। तो सबसे पहले इसको हम डाउनलोड करते हैं फिर आपको लेके चलते हैं काइन मास्टर पे। तो गाइस मैंने जो है इस क्लिप को वहाँ से कट करके निकाल लिया, जो वीडियो हमने डाउनलोड किया था पहले उससे ही कट करके ये क्लिप को निकाला है। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूँ जो भी क्लिप आप वहाँ से कट करके निकालोगे उसको जो है एडिट कैसे करना है। सबसे पहले जो गाइस आपको जो काम करना है वो ये करना है कि आपको जो है इसका साउंड को ऑफ करना है और साउंड को ऑफ करते ही आपको जाना है अपने म्यूजिक फाइल में जहाँ आपने कॉपीराइट फ्री म्यूजिक को डाउनलोड किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो डाउनलोड कर लेना, यहाँ से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यहाँ पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा।
सिंपली आप डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले जो है बैकग्राउंड में कोई सा भी म्यूजिक ऐड कर देना है, और लास्ट में जो है इसको, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको जब तक वॉइस यूज नहीं करोगे तब तक आपको जो है कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो गाइस लास्ट में जो आपको वॉइस यूज करना है, और क्या वॉइस यूज करना है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो वीडियो में जो भी वॉइस यूज करना है वो कैसे करना है, ताकि जो आपका वीडियो भी वायरल हो और जो है आपका सारा कुछ अच्छा हो और आपका काम भी हो जाए। तो गाइस जैसे ही मैंने शॉर्ट वीडियो को बनाया, तो गाइस आप लास्ट में ये बोल सकते हो, अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट में लिखे जय हिंद, कुछ ऐसे करके जो है आप यहाँ पे वॉइस डाल सकते हो, ताकि आपका जो इंगेजमेंट बढ़ेगा शॉर्ट वीडियो का वो वायरल भी होगा और आपका जो है काम भी हो जाएगा। आपको जो YouTube को ऐसा लगेगा कि आपने जो है इस वीडियो में अपनी एक्टिविटी की है, जिसके वजह से आपका चैनल पे कभी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपका जो चैनल है वो सिंपली मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस आपको जो है ऐसे ही वीडियो को एडिट करनी है, आपका वीडियो पे कभी कॉपीराइट क्लेम या चैनल पे स्ट्राइक कभी नहीं आएगा। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। तो गाइस ऐसे करके जो है आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, और वीडियो को जो है अपने फाइल में सेव कर देना है, और यूट्यूब पे एक चैनल बनाना है, और उस पर जो है आपको ये इस वीडियो को अपलोड करना है, मतलब ऐसे एडिट करके अपलोड करना है। अब 1 से 2 महीने तक अपलोड करो, आपके चैनल पे जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर। अप्पू हाथी जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक वो एक बड़े से गड्ढे में गिर पड़ा। अरे इतना बड़ा गड्ढा। तो गाइस सबसे पहले जो है आप यहाँ पे व्यू देखो, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप व्यू चेक करो। तो गाइस आपने जो है व्यू देख लिया, आप जो है, मैं काम की बात बताता हूँ। तो काम की बात यह है गाइस कि ये कंटेंट जो है एक किड रिलेटेड कंटेंट है, मतलब इस कंटेंट को बच्चे ज्यादातर देखते हैं। इसका मतलब कि ये जो है कार्टून कंटेंट है, जिसको कि आप अपने स्मार्टफोन से ही तैयार कर सकते हो, और इनपे जो व्यू काफी ज्यादा आता है, मतलब व्यू की तो आप बात ही मत करो, मिलियन में व्यू आता है, लाख में नहीं मिलियन में व्यू आता है। और इनका जो चैनल का ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा है, मतलब आप 1 महीने के अंदर अगर चैनल बनाते हो तो फिर जो है 1 महीने के अंदर ही आपका चैनल इतना ज्यादा बूस्ट होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो गाइस आपको जैसे कि पता है कि इस कंटेंट को बच्चे ज्यादातर देखते हैं, तो इस पे ज्यादा व्यू आता है। इस पे ज्यादा व्यू क्यों आता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस ये जो कंटेंट है ये बेसिकली जो है इंडिया का ही कंटेंट नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दुनिया में इतने सारे बच्चे होंगे। तो गाइस ये जो है ये पूरा जितना भी दुनिया के बच्चे जो यूट्यूब देख रहे हैं वो सभी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे आप इंडिया से बनाओ चाहे किसी भी देश से बनाओ। आखिर ऐसा क्यों है मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, आखिर ऐसा कैसे होता है। मतलब जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा जो है इस वीडियो पे व्यू आ रहा है, मतलब मिलियन में व्यू आ रहा है। तो गाइस आप ही सोचो कि इतना सारा बच्चा तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं होगा, अगर इंडिया में होगा भी तो सबके पास जो है स्मार्टफोन नहीं होगा। अगर गलती से स्मार्टफोन भी हो जाता है तो वो सिर्फ यूट्यूब नहीं देखते होंगे, अगर यूट्यूब देखते होंगे तो ये जो है सिर्फ कार्टून नहीं देखते होंगे, गेम भी खेलते हैं और भी कई सारे कार्य है जिनको कि बच्चे लोग स्मार्टफोन में करते हैं। तो गाइस ऐसे में गाइस मैं आपको बता दूं, ये क्लियर होता है कि ये सिर्फ इंडिया का कंटेंट नहीं है, ये पूरे दुनिया का कंटेंट है। जितना भी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं इस कंटेंट को वॉच करते हैं, और इस पे जो है काफी अच्छा खासा रिस्पांस देते हैं, क्योंकि गाइस बच्चा जो है उतना माइंड होता नहीं है, वो कोई सा भी एक वीडियो चला के छोड़ देंगे, सिर्फ उसको अच्छा लगना चाहिए, उसमें लैंग्वेज है भाषा है कि नहीं है ये सब कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ उसको जो है प्ले करके वो छोड़ देंगे। जब धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, जब अपना लैंग्वेज सीखते हैं, तब जाकर उसको जो है लैंग्वेज का काम पड़ता है, लेकिन शुरू शुरू में जो है वो सिर्फ देखते हैं बल्कि सुनते नहीं है, सुनते भी है लेकिन उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो स्मार्टफोन के अंदर चल रहा होता है वीडियो उसकी आंखें उसी पे फोकस करती है, उसके साउंड पे फोकस नहीं करती है, इसीलिए जो है इस कंटेंट पे ज्यादा व्यू आता है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस जल्दी से इस वीडियो को करते हैं चालू। उससे पहले अगर आपको अर्निंग देखना है तो आपको पता ही है कि देश विदेश से व्यू आता है तो अर्निंग काफी ज्यादा होता है। तो गाइस देश विदेश से व्यू आता है तो अर्निंग भी ज्यादा होता है, साथ में व्यू तो इंक्रीज होता ही होता है। और मैं अगर अर्निंग आपको दिखा दूं तो आप हैरान हो जाओगे। तो सबसे पहले जो आप अर्निंग देख ही लो, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। तो गाइस यहां पे बगल में देख लो कि अर्निंग कितना ज्यादा होता है। गाइस इंडिया में जो है $1 का दाम जो है ₹80 है, अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख लो अपने आंखों से कि कितना ज्यादा निकल के आता है। तो गाइस मैंने अर्निंग आपको दिखा दिया, अर्निंग इसलिए ज्यादा है कि इस पे जो वॉच टाइम ज्यादा आता है, मतलब व्यू तो ज्यादा आता है, देश विदेश से भी आता है, वॉच टाइम भी काफी ज्यादा आता है। मतलब एक बार बच्चा यहाँ पे प्ले करके छोड़ दिया बस वो देख रहा है, जब तक कि अगला वीडियो उसके सामने नहीं आ जाता है, वो बार बार जो स्क्रीन टच करके वो चेंज नहीं करेगा, वो लगा के छोड़ देगा बस देखते रहेगा। इसीलिए जो है इस कंटेंट पे वॉच टाइम भी काफी ज्यादा आता है, इसीलिए शायद इनका जो डॉलर है वो इंक्रीज हो जाता है और वो जो है काफी ज्यादा बन जाता है इंडियन रुपीज में।
तो गाइस आप देख लिए, मैंने सारा प्रूफ आपको दे दिया। आप अगर इस चैनल को आपको ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आगे मैं बताऊंगा। आगे मैं ये बताऊंगा कि आपको जो है कैसे इस वीडियो को बनाना है, कैसे इस कंटेंट को बनाना है अपने स्मार्टफोन की मदद से। मैंने शुरू में बोला था कि आपको जो है दो ऐप का जरूरी पड़ेगा, तो आगे मैं बताऊंगा कि वो कौन से दो ऐप है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि आपको जो है दो ऐप इंस्टॉल करना, सिंपली जो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है एनिमल पोजिंग। ये ऐप आपको जो है सिंपली मिल जाएगा आसानी से, इसको जो है इंस्टॉल कर लेना। फिर दूसरा ऐप आपको इंस्टॉल करना है, उसका नाम है, यहाँ से मैं आपको नाम दिखा देता हूँ, इमेज सर्च मैन। इस ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लेना। तो गाइस इंस्टॉल करने के बाद सिंपली इमेज सर्च मैन वाला जो ऐप रहेगा, सिंपली उसको ओपन करना है और सर्च बार में टाइप करना है नेचर कार्टून। यहाँ पे आप जैसे नेचर कार्टून सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का जो है आपका नेचर का कार्टून बन के जो इमेज रहता है वो सिंपली आ जाएगा, जिसको कि आप वीडियो के बैकग्राउंड में यूज करोगे। तो गाइस आप सिंपली जो है बहुत सारा इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जिसको कि आप जो है वीडियो में यूज करना चाहते हो, जिस भी बैकग्राउंड को। तो गाइस मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपली अपने गैलरी में, और गैलरी में डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है काइन मास्टर में। तो गाइस काइन मास्टर को ओपन करके वहाँ से मैं आपको एडिटिंग दिखाऊंगा। पहले यहाँ से आप देख सकते हो कि वहाँ जो है डाउनलोड का एरो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो इमेज है वो सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइस मैंने जो है एनिमल पोजिंग ऐप को ओपन किया, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो गाइस यहाँ पे जो आपको कैमरा एंगल मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारे एनिमल भी मिलेंगे, यहाँ से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। और उसके बाद जो है इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी ग्रीन कर सकते हो। तो गाइस आप यहाँ पे मूव करके भी देख सकते हो, आप जैसे भी दिखाना चाहते हो, जिस भी एंगल से दिखाना चाहते हो, सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ कॉर्नर पे आप जैसे क्लिक करोगे एनिमल पे, तो यहाँ बहुत सारे एनिमल आपको मिलेंगे। जो भी एनिमल को सिंपली आपको कार्टून बनाना है, सिंपली उसको जो है यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके निकालना है। तो गाइस मैं जो है यहाँ से एनिमल देख रहा हूँ, आपको भी कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके देख लेना, जो भी आप एनिमल चूज करोगे सिंपली यहाँ से आपका जो है आ जाएगा। तो यहाँ से मैं चलता हूँ सबसे पहले एनिमल पे, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि कौन सा एनिमल है। तो गाइस आप भी कुछ इस तरह से चेक कर सकते हो एनिमल, और एनिमल को चूज करने के बाद जो है यहाँ पे आपको सिंपली एडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से टाइगर ही रहने देता हूँ अभी। तो इसको जो है आप जो है यहाँ से घुमा के चेक कर सकते हो सारा एंगल से, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको ग्रीन कर देना। ग्रीन करने के बाद सिंपली जो गाइस आपको जो है कॉर्नर पे वहाँ पे आई का जो है सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके जो है सब कुछ हटा सकते हो। और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जैसे भी दिखाना चाहोगे अपना एनिमल का जो कार्टून रहेगा उसको, वो ऐसे दिखाएगा, मतलब वॉक करते दिखाओगे, रन करते दिखाओगे, अटैक करते दिखाओगे, मरते दिखाओगे, या खाते दिखाओगे, कुछ भी करते दिखाओगे, सिंपली यहाँ से आप दिखा सकते हो, ताकि आपका वीडियो में जो है उस टाइप का जो है जिस टाइप का आपको एनिमेशन चाहिए उस टाइप का एनिमेशन मिल जाए। तो यहाँ से मैंने अटैक वाला क्लिक किया है, और यहाँ पे आई का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है सारा कुछ यहाँ से हट जाएगा, और जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको जाना है काइन मास्टर में, और उसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। तो गाइस मैं और एक एनिमल का ले लेता हूँ। तो सिंपली गाइस मैंने जो है टाइगर वाला ले लिया, और यहाँ से मैं एक एनिमल और ले लेता हूँ। तो इसको भी मैं वॉक करते हुए दिखाता हूँ, रनिंग करते दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको जो भी मन होगा, जैसा भी आपका वीडियो का डिमांड रहेगा, सिंपली उस तरह का ही आपको लेना है। तो गाइस काइन मास्टर को ओपन करने पर आपको जो है वो जो आपने पिक्चर्स को डाउनलोड किया था बैकग्राउंड वाला, सिंपली उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है आपको जाना है लेयर पे, और यहाँ पे आपको दोनों जो एनिमल रहेगा उसका सिंपली आपको जो है वीडियो को ऐड करना है। यहाँ से मैंने जो है दो लिया था, एक मुर्गी का और एक टाइगर का, तो सिंपली यहाँ से मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद जो है इसका बैकग्राउंड को कर दूंगा रिमूव। तो गाइस आप तो जानते ही होंगे क्रोमा के से बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाता है काइन मास्टर के अंदर। तो यहाँ से क्रोमा की पे आने के बाद जो है आप सिंपली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, और इसको जो है एडजस्ट करके यहाँ से जमीन पे सेट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो वीडियो पे जो है खतरनाक इफेक्ट मिलेगा, और आपको लगेगा कि ये जो है रियलिस्टिक है। तो गाइस कुछ इस तरह से क्रॉप करके आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। तो गाइस ये जो हमारा मुर्गी है वो एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे, और हम जो है हमारा टाइगर जो लिया था हमने पहले उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो गाइस ऐड करने के लिए सिंपली आप फिर से वहीं पे जाना लेयर पे और ऐड कर देना। तो गाइस और यहाँ पे हम पिन करेंगे, नहीं तो वैसे जो है हमारा बैकग्राउंड तो मतलब ये बदलते रहेगा, लेकिन वो जो मुर्गी रहेगा सिंपली एक ही जगह पर रहेगा। इसीलिए आप पिन करके यहाँ से जो है उसको मैं मोशन में ला सकते हो, उसको जो है चलते हुए दिखा सकते हो, ऐसा लगेगा कि जैसे चल रहा है। तो आप काइन मास्टर के अंदर ये कर लेना, और आपका जो वीडियो रहेगा सिंपली बहुत ही मस्त बन जाएगा। तो फिर से हम एक लेयर लेते हैं, और यहाँ से जो हम टाइगर वाला वीडियो को ऐड करते हैं।
हैं। तो गाइस यहाँ से ऐड करने के बाद इसको भी हम चलते हुए दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद जो इसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और फिर इसको भी चलते हुए दिखाएंगे। अगर आपने पहले नहीं देखा था तो इस बार देख लेना अच्छे से। तो गाइस इसको हम रिमूव करेंगे बैकग्राउंड को। तो गाइस बैकग्राउंड रिमूव करना आपको सिंपली आता ही होगा। उस पर जो है लेयर पर क्लिक करके आपको सिंपली क्रोमा की को अनेबल कर देना और यहाँ से एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो गाइस आप जो है ब्लर भी डाल सकते हो बैकग्राउंड में। तो गाइस यहाँ देख सकते हो मुर्गी चल रही है लेकिन यहाँ पे टाइगर एक ही जगह पर है। तो उस पर हम पिन करेंगे। तो गाइस पिन ऑफ का यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा। आप जहाँ जहाँ जो पिन करना चाहते हो वहाँ पे प्लस का आइकॉन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना और यहाँ से आप पिन करके सिंपली एडजस्ट कर देना ताकि ये लगे कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और इसमें जो है साउंड इफेक्ट भी आप अलग से यहाँ से लगा देना ताकि आपका जो वीडियो है उसमें और भी ओरिजिनल लुक मिल सके, ताकि आपका जो वीडियो है वो रियलिस्टिक लग सके। तो गाइस आप जो है कुछ इस तरह से अपना वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आज का ये वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दो। स्वागत है आपका एक कमाल का वीडियो में। अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो आपने देखा होगा कि फेसबुक पे जो है बहुत सारे मूवी का क्लिप आता है जिसको हम बहुत एंटरटेनमेंट के साथ देखते हैं और वो हमें काफी ज्यादा मस्त लगता है देखने में और हम एक बार भी स्किप नहीं करते, उसको जो पूरा वॉच करते हैं। लेकिन गाइस आपने ये नहीं सोचा होगा कि उसको जो फेसबुक पे अपलोड कौन करता है, वही ऑफिशियल मूवी का चैनल उस क्लिप को अपलोड नहीं करता है, बल्कि मेरे और आप ही जैसा लोग उसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं। लेकिन काफी सारा जो है फेसबुक पे अपलोड करके उससे आप काफी अच्छा खासा अर्न करते हैं और हम जो है उसे देख के अपना टाइम बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आज का इस वीडियो में अगर आपको पता नहीं है कि फेसबुक पर जो है मूवी अपलोड करके पैसा भी कमाया जाता है तो इस वीडियो में आपका आंखें जो है खुल जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरा एक फ्रेंड है ये जो फेसबुक पेज चलाते हैं, फेसबुक पे सिंपली ये जो है कुछ करते नहीं है, बस ये जो है मूवी का क्लिप अपलोड करते हैं। और यहाँ पे बगल में आप देख सकते हो कि इस भाई का जो है कितना ज्यादा अर्निंग होता है। एक महीने के अंदर आप देख सकते हो कितना ज्यादा डॉलर जो है ये फेसबुक से अर्न कर लिया है। अगर इसको जो हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख के हैरान रह जाओगे कि ये कितना रुपया निकल के आता है। गाइस ये जो है कोई छोटा सा अमाउंट नहीं है, ये डॉलर में है। अगर आप जो है इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इसका जो अमाउंट है इंडियन रुपीज में कितना वैल्यू है। अगर आप भी फेसबुक चलाते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो आज के बाद जो अपना टाइम बर्बाद करना भूल जाओ, क्योंकि गाइस आप जब टाइम बर्बाद करते हो उतना देर में आप काफी अच्छा खासा जो है रुपया को अर्न कर सकते हो अपने फेसबुक पेज से। गाइस आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख लो कि इस भाई ने पिछले महीना ही कितना ज्यादा जो है अर्न करके अपने जो है बैंक अकाउंट में विड्रॉल किया है। अगर आपको भी सच में फेसबुक से रुपया अर्न करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे रुपया को अर्न कर सकते हो। सिर्फ कॉपी पेस्ट मतलब किसी का वीडियो डाउनलोड करके सिर्फ फेसबुक पे अपलोड करना है, लेकिन उसका तरीका मालूम होना चाहिए हमें। कोई भी चीज अगर हम डाउनलोड करके सीधा अपलोड करेंगे तो उससे जो है हमारा कुछ नहीं होने वाला, ना ही हम एक भी रुपया कमा पाएंगे। उसके लिए तरीका होना चाहिए और दिमाग होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि मैं जो है फेसबुक पे अपना पेज बनाकर उस पर जो है वीडियो अपलोड करके काफी अच्छा खासा रुपया को अर्न करूं तो ये वीडियो आप लास्ट तक एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, अगर आप पहले से यूट्यूब पे कोई चैनल आपका, तो आपको जो कोई भी मेहनत करने का जरूरी नहीं है। बस आपको जो है यूट्यूब वाला वीडियो ही फेसबुक पे अपलोड करना है और आपको जो कोई मेहनत नहीं करना है, आप पेज बनाओ अपलोड करो। लेकिन जो गाइस जिसको जिसका भी यूट्यूब पे चैनल नहीं है तो वो अपना फेसबुक पे पेज बना के उस पर जो है मूवी क्लिप अपलोड करके अच्छा खासा रुपया को अर्न कर सकते हो। यूट्यूब पे जो बहुत सारे जो है यूट्यूब का रूल, यूट्यूब का खुद गाइडलाइन है, जिसके वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानी होता है दूसरे का वीडियो अपलोड करने में। लेकिन फेसबुक पे जो है ऐसा नहीं है। फेसबुक पे जो है आप किसी का भी वीडियो को अपलोड करके उससे रुपया कमा सकते हो, बस उसके लिए दिमाग चाहिए। अगर आपको भी ऐसा करना है तो इस वीडियो पे आप बने रहना एंड तक, मैं एक एक स्टेप बताऊ। सबसे पहले जो है मैं अपना पेज दिखा देता हूं, मैं खुद का अपना पेज दिखा देता हूं। मेरा फेसबुक पेज बहुत जल्द ही मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइस मैं यहां पे चलता हूं फेसबुक से। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो है फेसबुक का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका फेसबुक पेज पे 5000 फॉलोवर और 5 वीडियो अपलोड होना चाहिए, साथ में जो है 60K का वॉच टाइम भी कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपका फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा, तब आप रुपया कमा सकते हो। अगर वैसे आप पेज बनाकर वीडियो अपलोड कर दोगे तो वैसे आपका कुछ नहीं होने वाला है और आपको जो है फॉलोवर चाहिए ही चाहिए और वॉच टाइम चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा ये समझना पहले जरूरी है। आपको जो है
सिंपली आपको कोई सा भी वीडियो उठाना है और यहाँ पे अपलोड करना है, और बाकी का काम जो है मैं आपको जो अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे लेकर समझाता हूँ कि बाकी का काम कैसे करना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे क्या करना है, ताकि आपका जो रुपया अर्न हो और आपका जो पेज है वो डिलीट नहीं हो। तो गाइस उससे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे चलता हूँ और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कैसे फेसबुक पेज बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे वीडियो अपलोड करना है और कैसे रुपया को अर्न करना है। तो चलिए वीडियो को करते हैं।